मेरा आपका क्या रिश्ता है? मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाता हूँ तो लोग अपनी पलकें फर्श अदा कर रहे होते हैं, तो मेरे में तकब्बुर नहीं पैदा हो रहा होता और मैं सोच रहा होता हूँ और अपने अंदर उतर के अपने आप से बार बार पूछ, तू कौन है, क्या औकात है तेरी कि तेरे लिए जो है वो लोगों की आंखें जो है वो पांव में बिछती चली जा रही हैं और छूने के लिए लोग बेताब हैं, क्या तू होता कौन है? तो फिर मैं यही सोचता हूं, अंदर से आवाज ही आती है कि तेरे में कुछ नहीं है लेकिन तेरे लबों पे नाम हुजूर का है। तो उस नाम की वजह से हमारा रिश्ता है। आपके लिए मेरे दिल में जज्बात हैं, मोहब्बत हैं। मैं सारी रात का थका हुआ भी दुबह दौड़ के आपके पास आ गया, आपसे मुझे कोई गरज है? आपसे मैंने कोई पैसे लेने हैं? मुझे क्या गरज है आपसे? कोई वोट मांगना कल मैंने आपसे? सिर्फ इसलिए मैं आया हूं कि ये मेरे हुजूर के मानने वाले हैं, इनको खुशी होगी, इनको तस्कीन को। हमारे उस्ताद एक शेर झूम के पढ़ा करते थे कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी ना तेरी है ना मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी ना तेरी है ना मेरी। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुशको तर के रिश्ते से हमने बुनियादे दोस्ती रखा, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। इस रिश्ते को कमजोर ना होने देना, इसको मजबूत रखना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि कभी भी नमाज में कोताही ना होने देना। पांच गाना नमाज ये हमारे ऊपर लाजम की गई है और ये बीमारी में भी इसकी माफी नहीं है, सफर में भी इसकी माफी नहीं है। पानी नहीं है तो तयम्मम कर लो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो। हालत जंग के अंदर भी इसकी माफी नहीं दी गई। तो कभी भी नमाज तर्क करने की गलती ना करना। ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक व जुअलत कुर्रतु ऐन फिस्सलात और कल्ब की राहत थी। जब बिलाले हबशी को अजान का हुजूर कहते तो क्या इरशाद करते, सुनिए लफ्ज, अरेखना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। यदि अजान पढ़ो और हमारा दिल जो है वो ठंडा हो जाए, हमारे दिल को तस्कीन पहुंचे। तो पांच गाना नमाज अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अल्लाह की रहमतें उतरती ही उसके ऊपर हैं जो नमाजी होता है। जो बेनमाज होता है, अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं उसे तो खंजीर भी पनाह मांगता है। और शेख सादी बोले उसे कर्जा ना दो जो बेनमाजी, इसलिए कि वो रब का कर्ज अदा नहीं करता तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। और हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ना जिनकी ग्यारहवीं पकाते हैं, वो क्या कहते हैं? फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। कितनी बड़ी बात है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद काफरा जिहारा, फरमा जिसने जान बूझ कर नमाज छोड़ी गया उसने ऐलानिया कुफर किया। कयामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कुरान बताता है कुछ लोग खींच के घसीट के जहन्नम को ले जाए जा रहे होंगे, लोग उनको मिलेंगे, उनको कहेंगे मा साला का कुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ? तो वो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्ली, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और बहुत अच्छे अमाल थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आज जहन्नम में जाने का सबब यह है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करता हूँ और आपसे इस अज़म के इजहार की उम्मीद भी रखता हूँ कि आज के इस इज्तिमा में आप अज़्म मुसम्मम करें कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इतने ज़ोर से कहें कि शैतान का कलेजा फट जाए। पंच गाना नमाज शियार ज़िंदगी में। मस्जिदें बताएं कि एक इज्तिमा हुआ था उस्वाए रसूल के नाम से और ये जो मस्जिदों की रौनक बढ़ गई है ये उस इज्तिमा का नतीजा। तो फिर ये सामईन और ये मुंतजमीन खुश हो जाएंगे और ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे भी खुशी होगी। यार मैंने और इन्होंने क्या खुश होना है, आमना के लाल खुश हो जाएंगे कि इन लोगों ने पंच गाना नमाज शियार ज़िंदगी बना लिया है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे सोने से कबल पाँच उंगलियाँ भी गिन लिया करो और पाँच नमाजें भी गिन लिया करो। अगर पांच नमाजें पूरी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। किसी का हक गसब ना करना, किसी को तकलीफ ना देना। हुकूकुल इबाद की सख्ती से पाबंदी की तलकीन की गई है। जिसने किसी के सिर्फ तीन पैसे मारे, तीन पैसे, कयामत के दिन उसकी 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी ले ली जाएंगी। 700 नमाजें सिर्फ एक टगे के वज़ में ले ली जाएंगी, तीन पैसों के वज़ में ले ली जाएंगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर सवेर से लेकर हम शाम तक
फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लोगों के कलेजे चीर रहे हैं, हमारे जुमलों के नश्तर लोगों के कलेजे फाड़ रहे हैं, तो फिर क़यामत के दिन किस किस का हिसाब देंगे, कितनी को नमाजें हमारे पास जो हम दे के जान छुड़ाएंगे। तो आइए इस थोड़ी सी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पर गुजारें, अल्लाह के नाम पर गुजारें। आज मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, कल सब कुछ नहीं होगा। बंदे को उस वक्त समझ आती है जब समझ आने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो कुरान बताता है कि ज़ालिम हाथ काटेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो कहेंगे कि या लैतनी कद्दम तो लिहायाती, काश मैं ये ज़िंदगी आखिरत वाली ज़िंदगी के लिए गुजारी होती, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है। वक्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम।